और ये भाई अपने को मिल गया 350 की। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है तुम्हारे नेगी साहब के एक और बेहतरीन व्लॉग में। तो भाई फिलहाल सुबह बिल्ली खो गई थी भाई, पता नहीं कहाँ चली गई, पूरा घर ढूंढ दिया, फिर जाके मिली होते को वहाँ बैठी है। कब से ढूंढ रहा था भाई, अभी तुम्हारे भाई का आया पार्सल अमेजोन से। भाई इस बार ये क्या टट्टी पैकिंग करी है, कोई कहेगा ये अमेजोन से पार्सल आया, देखो क्या ये टट्टी पैकिंग, कागज़ लगा दिए बस पूरा पन्नी में। देखो खोल के दिखाते हैं तुम्हें क्या है इसके अंदर। मम्मी के लिए शायद सूट मंगाया था वो होगा, पर ये पैकिंग क्या है, कंडीशन पैकिंग दी हुई है। तो गाइस पैकिंग तो हमारी खुल चुकी है। चलो ये कुर्ती है भाई, मम्मी के लिए मंगवाई थी, देखो कुर्ती, रुको मैं तुम्हें ऐसे रख के दिखाता हूँ। कुर्ती तो भाई सही लग रही है, कहीं से फटी फूटी भी नहीं लग रही, कंपनी की ही लग रही है, आ जाएगी मम्मी को। इसका रेट तो 1000 रुपये लिखा है। मम्मी पहनेगी तो बताएगी कैसी है, मम्मी को वीडियो कॉल करते हैं और मम्मी को दिखाएंगे, और खाने के लिए लेके आते हैं। इस बिल्लू को भी भूख लगी, इसको भी दूध देंगे, खुद भी दूध पियेंगे। तो लेके आते हैं, तो मम्मी को पहले वीडियो कॉल कर दिखाऊँ फिर लेके आऊँगा। तो भाई तुम्हारा भाई लेके आया था अपने लिए पूड़ी और लाया था दूध, दूध हो रहा है गर्म, ये देंगे हम बिल्लू को, थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे क्योंकि वो पूरा पचा नहीं सकती। और भाई तुम मानोगे नहीं, आज तुम्हारा भाई रबड़ प्लेट्स की अनबॉक्सिंग, और तुम्हें उसके बताएगा कि बढ़िया होती है बेकार होती है। मैंने एक दो बारी ट्राई करके देखी है, मैं तुम्हें बताऊँगा कैसी होती है, बेकार है बढ़िया। रबड़ प्लेट्स की डंबल बनवाई है मैंने 10-10 kg की, तो तुम्हें दिखाऊंगा। तो दूध हो गया गर्म, इसमें थोड़ा पानी मिला के देंगे बिल्लू को, क्योंकि वो पूरा हजम नहीं कर पाएगी, छोटी है। तो भाई ये ना अभी बहुत गर्म है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको 5-10 मिनट बाद रुक के दूँ। ठीक है, इतना भी गर्म नहीं, थोड़ा पानी मिक्स कर दो, ज़्यादा गर्म नहीं। ले बिल्लू, भूखी ले, गर्म गर्म। तो भाई ये रही हमारी पूड़ी, छोले और पनीर वाली ब्रेड। तो भाई तुम रोज़ रोज़ देख के क्या करोगे, तुम भी बोर हो जाओगे। तो भाई अपन खाते हैं और तुम्हें सीधा देंगे रिव्यू और अनबॉक्सिंग। तो भाई ये सामान तुम्हारे भाई ने मंगवाया था, इसको भाई देखो, एक ये भी मंगवाया था भाई, ये तो चलो अपना ठीक है भाई। उन्होंने अब बैंड डालना भूल गए वो यार, बैंड समझते हो, रेजिस्टेंस ऐसा खींचने वाला बैंड होता है भाई, वो उन्होंने डाला ही नहीं। ये देखो, ये तो मैं ले आया, देखो ये है ना, ये ऐप रोलर है इसमें। अब भाई देखो, अब मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ ताकि भाई वो पेटीएम कर दें 200 रुपये, क्योंकि 200 रुपये का था भाई वो रेजिस्टेंस बैंड। तो कोई बात नहीं भाई, अगर वो फ़ोन उठा लें तो फिर करते हैं, वरना भाई नेक्स्ट टाइम अपन लगाएंगे, और कुछ कर तो सकते नहीं। तो भाई अपन उनको फ़ोन कर रहे हैं, अभी वो फ़ोन नहीं उठा रहे, तो थोड़ी देर बाद फिर करेंगे। बाकी तुम्हारे को भाई दिखाते हैं, ये भाई अपने को मिली है प्लेट तुम्हारी 20 रुपये kg, देखो। और ये भाई अपने को मिल गया 350 की, 350 का पेयर, ये स्टार वाला है भाई। बाकी और भी थे पर वो बेकार था, ये मस्त है भाई, सब बेकार थे, ये बड़ा बड़ा मस्त है। पर इसमें देखो थोड़ी काल की ये रबड़ का है ना, तो इसको साफ़ करेंगे पूरा, देखो यहाँ इसके प्लास्टिक लगा है, यहाँ इसके लगा वो, इस साइड से रोड डलेगी। तुम्हारा भाई तुम्हें सेटअप करके दिखाएगा, मतलब भाई देखो हमने लिए 2.5 किलो के 8 सॉरी, और ये लिए है रोलर, रोलर तुम्हें दिखाता हूँ, देखो देखो ये खुल के ये पूरा जुड़ेगा, अभी तुम्हें जोड़ के दिखाऊंगा। ब्लैक है मेरा, अतुल का रेड है, ठीक है। और ये ऐसे 8 प्लेटें हैं और ये 2 रोड हैं, और भाई एक बैंड भी था, पर बैंड भाई उन्होंने डाला ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं भाई, इसी को जोड़ के यूज़ करते हैं, फिर बाकी उनको फ़ोन कर रहे हैं ताकि वो वापस करते हैं, तो पैसे रिफंड कर दें, या तो भाई हम दोबारा जाएंगे। पर इतनी दूर भाई 40 किलोमीटर दूर जाना आसान काम थोड़ी है। कट्टे में आया था भाई सारा सामान, तुम्हारा भाई ने अनबॉक्स कर लिया, एक अतुल का था, अतुल को भेज दिया। अब भाई उनको देखते हैं भाई वो कब तक वापस करेंगे। बाकी तुम्हारा भाई इसको ना जरा लगा के तुम्हें दिखाता है। तो भाई देखो, तुम्हारे भाई ने डंबल तो कर दिए सेट, तुम देख सकते हो 10 kg का एक है ये तुम्हारे भाई की बॉडी, ये ज़्यादा ऊपर नहीं कर सकते, पंखे पे लगे टन करके। बाकी तुम ऐसे भी कर सकते हो ट्रैप्स के लिए। बाकी भाई देखो बढ़िया है, ठीक है। पर इसमें एक डिसएडवांटेज मैं तुमको ये दूंगा, देखो जब ये नीचे ज़मीन पर रखते हैं ना तो घिसता है हल्का हल्का, जैसे जो ये तो बड़े रबड़ से, तो रबड़ के स्पोर्ट्स आते हैं। रुको मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, थोड़ा लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी क्या डिसएडवांटेज है। तो मैं तुम्हें दिख रहा होगा, देखो अभी बंदा ऐसे है, बंदे ने से खींचा तो ये देखो
यहाँ ब्लैक आ गया ना, ये डिसएडवांटेज है, ऐसे घिसता रहेगा। देखो यहाँ पूरा ब्लैक आ गई लाइन, ये पूरी लाइन ब्लैक आ गई। बिल्लो, तो बिल्लू आ गई बीच में, हट जा। देखो पूरी ब्लैक लाइन खिंच गई, अगर तुम्हें दिख रही हो ढंग से तो देखो। देखो मैं तुम्हें फिर करके दिखा दूँ, देखो बंदे ने ऐसे खींचा, देखो सारी ब्लैक लाइन पड़ गई ना, देखो ये देखो ये सारी ब्लैक लाइन, ये डिसएडवांटेज है। अबे हट जा, वीडियो नहीं बनाने देगी मेरे को। तो भाई ये डिसएडवांटेज है, बाकी तो भाई देखो बाकी तो घर के लिए सही है, क्योंकि अगर मेटल डंबल है, अब तुम उसको ऐसे करके छोड़ दोगे ना तो उसकी जमीन कर देगा वैसी तैसी, पर इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं बढ़ेगा। और भाई देखो एडजस्टेबल है, निकालो पांच का डंबल बना लो दोनों साइड का निकाल के, ये फायदा है बस इसमें, समझ रहे हो, ये चीज़ का तुम्हें एडवांटेज मिल जाएगा। और तुम्हारा भाई तुम्हें दिखाता है एब रोलर। तो मेरे हिसाब से अगर तुम ले रहे हो घर के लिए तो एकदम ओके है, पर अगर भाई तुम कमर्शियल यूज के लिए ले रहे हो ना, जिम विम बनाने के लिए, तो रद्दी माल इससे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि तुम्हें पता भाई लोग तो ये फेंकेंगे इधर ही घिसेंगे तो खराब ही हो जाना है। तो अगर तुम्हें घर के लिए लेना है तो सबसे बेस्ट है, तुम्हारा भाई भी इसी से बॉडी बनाएगा ऐसे करके, ये सबसे बेस्ट है। 10 kg का एक पेयर बना रखा है मैंने इस टाइम, 2.5 kg की दोनों साइड है, मतलब 2.5 kg की इस साइड है, 2.5 kg की इस साइड है, समझे। तो आराम से तुम इससे जिम कर सकते हो, एकदम बेस्ट, मेरी जैसी बॉडी बन जाएगी भाई, मेरी ज्यादा तो नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, देख सकते हो तुम। और तुम्हें दिखाता हूँ ऐप रोलर। तो भाई देखो ये ऐप रोलर है, ये आया था इस डब्बे के अंदर, देख सकते हो तुम। तो इस डब्बे में आया था, इसका पता क्या फायदा, तुम ना इसके साथ देखो, तो हमें अपने को ये भी मिला है, तुम्हें मैंने इसको थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ, रुको। तो इसको पता है क्या सिस्टम है, अभी चटाई इसके लिए क्यों दे रखी है, थोड़ा डंबल वो करते साइड, चलो भाई ये चटाई दे रखी है, अब इसे ऐसे बिछाओ, इसमें तुम रख सकते हो अपनी टांग, इसको करो इधर, ये चटाई है तुम्हारी टांग रखने के लिए, इस पर रख दिया ऐसे, सॉरी टांग कह रहा हूँ यार, घुटने के लिए, मेरी भी बुद्धि खराब हो चुकी है, ऐसे तुम इस पर रखो ऐसे करके। भाई मैं भी प्रॉपर नहीं मार रहा, थोड़ी जगह कम है ना, रुको मैं थोड़ा पीछे होकर तुम्हें थोड़ा मार के दिखा रहा हूँ, ऐसे तुम्हें भाई मारना है, बहुत बड़ा जान लगती है इसमें। तो ऐसा तुम इससे कर सकते हो भाई, इससे ना तुम्हारे एब्स बन जाएंगे, मेरे तो भाई एब्स नहीं है, हमारे तो भाई तोंद है तोंद, तो हम तुम्हें बता नहीं सकते एब्स कैसे बनेंगे, हमारे पास तो भाई फैमिली बैक है, एब्स तो नहीं है। तो भाई देखो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें लेना है तो बेस्ट है घर के लिए ये शोल्डर प्रेस में मार सकते हो, तो फोन आ गया तुम्हारे भाई का, ये तो बेस्ट है ये, अब तुम्हारे ऊपर है भाई तुम्हें लेना हो तो भाई 20 rupees तुम्हें मिल जाएगा, मेरी पिछली वीडियो में देख लेना, तुम्हें बता दूंगा कहाँ से मिल रहा है, उसमें मैंने दे रखा है पूरा एड्रेस वगैरह सब, तो तुम्हें लेना हो तो तुम चेक कर सकते हो। लाल अपन जा रहे हैं जिम, जैसे कि तुम देख सकते हो, हटो ये रिंग लाइट बीच में से, तुम देख सकते हो तुम्हारा भाई हो चुके एकदम फुटबॉलर जैसा लग रहे हो ना, ये वाली में तो थोड़ा फुटबॉलर लगता है बंदा। और ये अपनी बिल्लू कहीं छोड़ जाएंगे, और बाकी अपन लाइट पंखा चला के छोड़ेंगे ताकि भाई उसको गर्मी ना लगे और वो अंधेरे से डरे ना। तो अपन चलते हैं जिम, तुमसे मिलेंगे जिम से आके। तो भाई फिलहाल अपन आ चुके हैं जिम से, हमारी डाइट देखोगे, चाउमीन मोमोज, मेरी फेवरेट है भाई मोमोज, तो चाउमीन नहीं है पर मोमोज है, चलो भाई मोमोज खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, पता नहीं बिल्ली मियाँ में क्यों कर रही है, पर अपन तो खाएंगे, भूख लग रही है। तो भाई हर्षाना मेरे को जिम में फ़ोन कर रही थी कि भाई तू ना आ जा जल्दी, पता नहीं क्यों रो रही है, भाई इसको दूध दे दे तब भी रोई जा रही है। फिर मेरे को याद आया भाई आज पापा लेट हो गए, तुम देख सकते हो 11 बजने वाले हैं, तो भाई पापा ने इसको जब भी आते हैं अंडा देते हैं, और भाई कब से रो रही है, अब मैं समझा अंडा, तो भाई मैंने थोड़ा अंडा तोड़ के उबाल के बाकी थोड़ा ज़्यादा रखा है, देखो अब देखना कैसा है। बिल्लू अंडा, बिल्लू बिल्लू अंडा, बिल्लू ये देख, देखो कहाँ ढूंढ रही है अंडा, ढूंढ रही इधर, ये रहा ये रहा, अबे ये रहा ये 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 कैसे बात की आ रही है, अब इसको अंडा देते बेचारी भुक्की, ये ले बिल्लू अंडा, अबे ये रहा, देखो 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 प्लेट में चढ़ी, देखो कैसे खा रही, देखो भुक्कड़ को अंडे की आदत पड़ रही है, शौक बड़े हो रहे हैं बेटी, शौक बड़े हो रहे हैं। तो तुम्हारा भाई जो डंबल लेके आया था तुम्हें तो दिखाई दिया मैंने, देखो तुम्हारा भाई ये 10 kg का एक है भाई, ये तुम्हारा भाई बेटा आराम से देखो 10 kg यूँ मारते हैं, यूँ जैसे देखने में तो लग रहा है पता नहीं कितने 25-30 kg के हैं, ऐसा लग रहा है देखने से, ढाई ढाई है ना दोनों, ढाई की दो प्लेट है, ढाई की दो प्लेट है, और रोड का वेट अलग है।
तो भाई खान दो बेचारी को, देखो कितनी तेज है भाई, अंडे के लिए रो रही है कब से, हम सोच रहे पता नहीं क्यों रोई जा रही। फिर पापा का ध्यान आया। तो भाई फिलहाल मम्मी लेके आई यहाँ पे खाना। मम्मी क्या है इसमें? चिकन है सबसे बड़े वाले में, उसमें चिकन है और उसमें दाल, शाही पनीर। तो भाई ये आया पंजाबी अंगीठी है मम्मी, तो उसको भी हम खाएंगे। डिब्बे का वो छोड़ देना, थोड़ा ज़्यादा बड़ा इसलिए इस डिब्बे में। तो खाते हैं भाई, वैसे अपन ने मोमोज इतने दबा के खाए हैं ना, भूख मिल गई है मम्मी। अरे काल क्या बोल रही है तू? पापा फ्रेंड हो रहे हैं, मैंने बोल दी मैंने मोमोज खा लिए। चलो सुबह देख यार, इधर टाइम से खाना बने घर में। तो भाई पापा भी खाना बना चुके थे। हैं पापा चलो और खा लेते हैं, भाई पापा का दिल रखने के लिए खा लेते हैं। कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा खाएंगे भाई, थोड़ा थोड़ा। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मैं व्लॉग एंड करना भूल गया था इसलिए फोन की फ्लैश से कर रहा हूं। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।